मथुरा वृंदावन गोवर्धन बरसाना यात्रा में आप सभी का स्वागत है। कान्हा जी की कृपा से माता जी बुआ जी ताऊ जी को साथ लेकर मथुरा वृंदावन बरसाने के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं, जहां पर हम वृंदावन मथुरा बरसाना में मंदिरों के दर्शन करेंगे। सबसे पहले हम प्रेम मंदिर के दर्शन करेंगे। वृंदावन में प्रेम मंदिर का अद्भुत नज़ारा होता है। वृंदावन में आए और आपने प्रेम मंदिर के दर्शन नहीं किए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शाम के समय यहाँ एक अद्भुत ही नज़ारा होता है। प्रेम मंदिर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठता है और इसे देखने के लिए श्रद्धालु जन की काफ़ी भीड़ रहती है। 7:30 बजे के लगभग यहाँ पर वाटर शो भी देखने को मिलता है, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। अब हम घर से वृंदावन के लिए निकल चुके हैं। वृंदावन में हम प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, माँ वैष्णो देवी का मंदिर और अन्य सभी मंदिरों के दर्शन करेंगे और आपको भी दिखाते रहेंगे। सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो को पूरे उत्साह से देखते रहना है। अब हम पहुँचने वाले हैं हिंडन नदी के पुल पर और पहुँच चुके हैं। यह है हिंडन रिवर, आनंद लेते जाइए और वीडियो में बने रहें। अगर आपको प्रेम मंदिर के दर्शन करने हैं तो रात में कीजिए। जो आनंद का अनुभव आप करेंगे वो बहुत ही मनमोहक होगा। अब हम ईस्टर्न पेरिफेरल पर आ चुके हैं और कुछ ही देर में आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और हम पहुंचने वाले हैं वृंदावन। और वृंदावन जाते ही हम सबसे पहले आपको दर्शन कराएंगे प्रेम मंदिर के, जो बहुत ही अद्भुत नज़ारा होगा। फाइनली हम पहुंच गए हैं वृंदावन और आपको सीधा लेके चलते हैं प्रेम मंदिर। राधे राधे। जिस दृश्य की हम बात कर रहे थे वो दृश्य आप खुद महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है। शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और मंदिर की लाइट ऑन हो चुकी हैं। मंदिर के बाहर रात के समय श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी दूर दूर से श्रद्धालु इस दृश्य को देखने के लिए आते हैं। ये दृश्य विश्व प्रसिद्ध है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं के कुछ दृश्य, जो बहुत ही सुंदर नज़ारा है और बहुत ही अच्छी कला आकृतियाँ बनाई गई हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं, देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। मनुष्य को कुछ पल अपनी जिंदगी से भगवान के या परमात्मा के लिए निकालना चाहिए। प्रेम मंदिर का सबसे अच्छा दृश्य ये है कि इसकी लाइट कुछ ही देर में लेजर लाइटें बदलती रहती हैं और अलग अलग रंग का मंदिर प्रतीत होता रहता है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। भगवान श्री कृष्ण शेषनाग के ऊपर नृत्य करते हुए, ऐसा मनमोहक नज़ारा देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। ये नाक के मुंह में से रक्त निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं। और इनके पास ये हैं गोपिकाएं। कितना ही सुंदर नज़ारा है। कुछ ही देर में वाटर शो शुरू होने वाला है, उससे पहले हम आपको मंदिर के बदलते हुए रंग और भगवान श्री कृष्ण की झांकियों के दर्शन कराएंगे और उसके बाद आपको लेके चलेंगे वाटर शो पर। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है।
लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। माता जी, बुआ जी और ताऊ जी मंदिर के प्रांगण में घूमते हुए और कृष्ण लीलाओं के दर्शन करते हुए, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की अलग अलग लीलाओं की झांकियाँ देखने को मिलती हैं जो भक्तों के मन को मोह लेती हैं। एक अद्भुत ही नज़ारा देखने को मिलता है। प्रेम मंदिर में आने के बाद यहाँ से वापस लौटने का मन ही नहीं करता। थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रेम मंदिर का रंग बदलता रहता है। लेजर लाइट के माध्यम से प्रेम मंदिर अलग अलग रंग की रोशनियों से जगमगाता हुआ दिखता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ श्री कृष्ण द्वारा लीलाओं की अद्भुत झांकियाँ दर्शाई गई हैं जो श्रद्धालुओं को मोह लेती हैं। प्रेम मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और वृंदावन की शोभा इसी के माध्यम से और अधिक बढ़ जाती है। वाटर शो शुरू ही होने वाला है और हम आपको बीच बीच में मंदिर के बदलते हुए रंग को दिखाते रहेंगे वाटर शो के बीच बीच में। जैसा आप देख पा रहे हैं, कभी लाल कभी हरा, अन्य भिन्न भिन्न रंगों से मंदिर के कलर बदल रहे हैं। सबसे अच्छा दृश्य प्रेम मंदिर का यही देखने को मिलता है। और झांकियों की तो बात ही मत कहो, कितना सुंदर लगती हैं देखने में। देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। अब हम आपको दिखाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। ये उस समय का दृश्य है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी महाभारत के युद्ध में। यहाँ झांकियों के माध्यम से गोपिकाएं नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही हैं, जैसा आप सब देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को यहाँ पर मिलता है। अब आपको लेकर चलते हैं वाटर शो पर, और वाटर शो स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं पानी का कलर किस प्रकार से अलग अलग कलरों का प्रतीत हो रहा है। किस प्रकार से अलग अलग कलर का पानी दिखाई दे रहा है। वाटर शो का सबसे अच्छा दृश्य यह है, पानी के बीच गुरुजन व उनके श्रद्धालुओं की तस्वीरें और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा को झूला झूलते हुए और उनकी सहयोगी सखियों और गोपिकाओं का कितना सुंदर दृश्य है। और यहाँ की जो सजावट की गई है वो बहुत ही अच्छी और सुंदर और मनमोहक है। यहाँ पर वाटर शो का अद्भुत ही नज़ारा होता है। यहाँ पर पहाड़ों के बीच से लेजर लाइट निकलती हैं और पानी के बीच प्रतिबिंब बन जाता है, जिस पर प्रेम मंदिर के गुरुजी और कान्हा जी के भजन प्रदर्शित होते हुए हमने आपको अभी दिखाई हैं। वाटर शो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन प्रेम मंदिर के अंदर का वाटर शो जैसा आपने कहीं नहीं देखा होगा। किस प्रकार से लाइटों और पानी के फुहारों को एक साथ सेट किया हुआ है। देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। ये चीज़ें मनुष्य को बार बार देखने के लिए नहीं मिलती। किस प्रकार से लाइटिंग और फुहारों को एक साथ मिलाकर दिखाया गया है।
अगर आपको वृंदावन जाना है और प्रेम मंदिर देखना है तो कृपया रात के समय ही जाएं, क्योंकि वाटर शो लाइटिंग रात के समय ही देखने का आप आनंद ले सकते हैं। अब आपको हम लेकर चलते हैं गोवर्धन पर्वत, जो प्रेम मंदिर के अंदर ही बना हुआ है। गोवर्धन पर्वत के ऊपर से पानी पड़ता हुआ और नीचे ग्वाले और गोपियां आपको नज़र आ रही हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं बांके बिहारी मंदिर, और ये बांके बिहारी मंदिर के पास की मार्केट है, जिसमें माताजी, ताऊजी, बुआ जी कुछ सामान खरीदने के लिए आई हुई हैं। और आपको पूरी मार्केट का दृश्य दिखाते हैं। अब आप देखिए कितनी सुंदर मार्केट है और कितना ही अच्छा मार्केट को सजाया हुआ है। देखते रहिए, और आनंद लेते रहिए। बस अब हम पहुंचने वाले हैं बांके बिहारी मंदिर, और पहुंच चुके हैं। मंदिर के अंदर काफ़ी भीड़ थी और फ़ोन ले जाने की परमिशन नहीं थी, तो इसलिए हम आपको बाहर से ही दर्शन करा दे रहे हैं। सिक्योरिटी की वजह से मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना संभव नहीं था, इसलिए हम आपको कुछ फ़ोटो के माध्यम से मंदिर दिखा रहे हैं। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसा आपने इन फोटो के माध्यम से देखा था, वृंदावन में ही माता वैष्णो देवी का भव्य मंदिर है, जिसमें माँ शेरावाली की एक विशाल मूर्ति मंदिर के ऊपर बनी हुई है। जैसा आप देख रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे, जो मन को मोह लेती है, जिसके नीचे पहाड़, अनेक झरने और अनेक कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। यह मंदिर बहुत ही सुंदर डिजाइन किया गया है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ भक्तजन की काफ़ी भीड़ रहती है। इसी पहाड़ के अंदर माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, जिसके दर्शन करने के लिए हम पहुँच चुके हैं। अब हम माँ वैष्णो देवी के मंदिर के अंदर का दृश्य भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये है माँ वैष्णो देवी का मंदिर। यहाँ पर एक अद्भुत ही नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है, जैसा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के मंदिर के अंदर मूर्तियों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं, नीचे भी और ऊपर भी कितनी ही अच्छी तरीके से मंदिर को बनाया गया है। ये मंदिर माँ शेरावाली की पहाड़ की मूर्ति के नीचे एक गुफा के रूप में बनाया गया है। ताऊ जी, बुआ जी और माता जी मंदिर का अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं, और अपने मन को पवित्र कर रहे हैं। अब हम चलो तो मथुरा के लिए निकलते हैं, और मथुरा में जाकर आपको कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और अन्य जो भी मंदिर मिलते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे। जहाँ वीडियो बनाना संभव होगा वीडियो के माध्यम से, अन्यथा फोटो के माध्यम से आपको दिखाते जाएंगे। अब हम फाइनली पहुँच गए हैं मथुरा।
मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर मोबाइल ले जाना या इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना संभव नहीं है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। इसलिए हम आपको अच्छे अच्छे और सुंदर मंदिरों की तस्वीरें फ़ोटो के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए और आनंद का अनुभव करते रहिए। बहुत ही सुंदर मंदिरों को बनाया और मूर्तियों या तस्वीरों से सजाया गया है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। यहाँ आए तो कृपया मथुरा में इन सभी मंदिरों का दर्शन अवश्य करें। यह मंदिर लोटस टेंपल की तरह दिखता है। यह मंदिर गुरु जी का मंदिर है। बहुत ही सुंदर और अच्छा देखने के लिए लगता है। यहाँ पर मंदिरों को बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। शायद ही आप कहीं और इस प्रकार का आनंद ले पाएं। अब आपको हम दिखाते हैं सूर्य मंदिर की तस्वीरें और फिर चलते हैं सीधा गोवर्धन। अब हम गोवर्धन पर्वत की तरफ चलते हैं और वहाँ पर गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। ताऊ जी व माता जी के पैरों में परेशानी होने के कारण पैदल परिक्रमा कर पाना संभव नहीं है, इसलिए ई रिक्शा के माध्यम से परिक्रमा करेंगे और आपको दिखाएंगे। गोवर्धन पर्वत के 21 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसके चारों तरफ लोटा जी महाराज और अनेक मंदिर बने हुए हैं। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद हम पहुंच चुके हैं गिरिराज जी मंदिर। यहाँ वीडियो बनाना सिक्योरिटी पर्पस से बंद है। अब हम गिरिराज जी मंदिर के बाद आपको और तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सभी बहुत ही सुंदर मंदिर बने हुए हैं। ये है गिरिराज जी मंदिर। मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ बनी रहती है। अब हम गिरिराज जी मंदिर के दर्शन करने के बाद राधा रानी जी के मंदिर बरसाना के लिए निकल चुके हैं, जहां पर हम राधा रानी जी के मंदिर के दर्शन करेंगे जो कि बरसाना में एक पहाड़ पर स्थित है और एक भव्य मंदिर है जहां पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है और एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। किसी ने क्या खूब लिखा है, अनजान सी रुक्मणी बेचैन सी मीरा बस राधा ही जाने श्याम की पीड़ा। कितनी सुंदर लाइनें लिखी हुई हैं। अब हम बरसाना पहुँचने ही वाले हैं और पहुँचते ही आपको राधा रानी के मंदिर के दर्शन कराएंगे। हम पहुँच चुके हैं बरसाना राधा रानी जी के मंदिर में, जहाँ पर बरसाने का एक अद्भुत दृश्य देखने को आपको मिल रहा है। क्योंकि बरसाना मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए पूरा बरसाना यहाँ से देखने को मिल जाता है, जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, जो कि एक अद्भुत नज़ारा होता है। यहाँ पर भक्तजन राधा रानी के भजनों पर झूमते नज़र आने वाले हैं आपको। अभी हम आपको दिखाएंगे। हम जिस दृश्य की बात कर रहे थे वो है ये दृश्य। आप खुद ही देख लीजिए कितना सुंदर नज़ारा है। पूरा बरसाना यहाँ से दिखाई दे जाता है। अब हम आपको दिखाएंगे नृत्य करते हुए भक्तजन राधा रानी के गानों पर। राधा रानी जी के भजनों पर ताऊ जी, बुआ जी और माता जी ने भी नृत्य किया, जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। भक्त भाव विभोर होकर राधा रानी जी के भजनों में डूब जाते हैं। अगर आप राधा रानी जी के मंदिर में आए और आपने यहाँ पर भजनों पर नृत्य नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर राधा रानी जी के भजन बजते रहते हैं और एक अद्भुत ही नज़ारा होता है राधा रानी जी के मंदिर का। तो ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये राधा रानी जी के जन्मदिन का दृश्य है।
अभी यहाँ राधा रानी जी का जन्मदिन मनाया गया था। इस मंदिर की शोभा इसलिए और अधिक बढ़ जाती है। इसी के साथ हमारी यात्रा से कुशल संपन्न होती है और अब हम घर लौट रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।